Hello. So we see here if length of this wire and this side of the wire same, then same number of field line will cross through this portion, and hence electric flux will be same through this wire and this wire. Phi 1 equal to phi 2. Now try to understand here in this case, a cube is placed in a uniform electric field. Find the flux through the bottom surface of the cube. Now here we see that electric field lines entering into the surface, into the bottom surface of the cube. So electric flux must be negative because field line is getting entered into the surface. So field line must be negative. On the other hand, field lines coming out of the top surface, therefore electric flux through this top surface must be positive because field line is coming out of the surface. Next, yes, here. Yes, sir. इसको मैं वीडियो शेयर करूंगा तो ये डिस्कस कर दूंगा. देखो लास्ट क्लास में मैं ये डिस्कस कर रहा था कि ये वायर 90 डिग्री के एंगल बना रहा है ये दोनों वायर. लेकिन एक बार यहाँ ध्यान दीजिए, वायर लूप्स वन एंड टू हैव द सेम लेंथ एंड वाइड बट डिफरेंस इन डेप्थ. डेप्थ में डिफरेंसेस है. देखिए ये वायर है और ये है. लेंथ एंड वायर सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है कि डेप्थ में डिफरेंसेस. ऐसी स्थिति में यहां से जो फ्लक्स फील्ड लाइन पास करेगा और यहां से जो पास करेगा वो दोनों में सेम होगा. क्यों सेम होगा? क्योंकि ये जो हाइपोटेन्यूज होगा इस केस में और ये इसके बराबर हो जाएगा. ऐसी स्थिति में सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइन विल पास थ्रू इच वायर, इसलिए फ्लक्स विल बी सेम. अब जरा ध्यान देना है, हेलो. यस सर. हाँ देखो क्वेश्चन. यस सर. हेलो. यस सर. कौन सा क्लास? अच्छा ठीक है, जस्ट मैं 12th को ओवर करके मैं आपको कॉल करता हूँ. ओके ओके. अदरवाइज कल होगा, अभी मटेरियल भेज चुके हैं उसको जरा देखिए. ऐसे फ्री होता हो तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा. ओके हेलो. हेलो. यस सर. यस सर. ओके तो ये समझ में आ गया कि इस वायर से जो फील्ड लाइन पास करेगा और इस सिस्टम ऑफ वायर से जो पास करेगा, इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइन विल पास थ्रू ई, देयरफॉर फ्लक्स थ्रू ईच वायर विल बी सेम. अब ये एक केस है, दिस इज अ क्यूब एंड एरो लाइन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. क्वेश्चन है कि अ क्यूब इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द बॉटम सरफेस ऑफ द क्यूब. तो हमें चेक करना है कि बॉटम सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा. तो हमने तरीका बताया था कि अगर सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है तो वो नेगेटिव होगा, और अगर सरफेस से बाहर निकल रहा है तो वो पॉजिटिव होगा. तो एज वी सी हियर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गेटिंग एंटर्ड into the bottom surface of the cube, that's why electric flux through the bottom surface will be negative, that is less than zero.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेजिन अ क्यूब ऑफ साइड ए पोजिशनड इन ए रीजन ऑफ कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फील्ड लाइट्स आर इक्वली स्पेस्ड सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. तो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्यूब को रख दिया गया है जिसका साइड है ए. क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई थ्रू द सरफेस ऑफ दिस क्यूब इज ट्रू. इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, आप अपने कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए. अभी तक में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया था, पहली बात देखो, साइड वाले सरफेस से कोई फील्ड लाइन पास नहीं कर रहा है और इधर से भी कोई फील्ड पास नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है. तो बॉटम वाले सरफेस से फील्ड लाइन इंटर कर रहा है तो इसका फ्लक्स नेगेटिव होगा, और टॉप सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा. लेकिन इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंटर इनटू द सरफेस बॉटम सरफेस एंड इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ द टॉप सरफेस, इसलिए बॉटम वाला नेगेटिव और टॉप वाला पॉजिटिव और दोनों को ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही होगा. अब समझ में आ गई बात. ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कंसिडर टू स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड टू आर. दो स्फीयर है, एक का रेडियस दूसरे के रेडियस से डबल है. ड्रॉन अराउंड ए सिंगल चार्ज, और एक सिंगल चार्ज को सेंटर पर रख दिया गया यहाँ. तो अब सिंगल चार्ज से जो फील्ड लाइन निकलेगा वो स्फेरिकली सिमेट्रिकली निकलेगा. ऐसे देखो, फील्ड लाइन ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे जा रहा. And so, अब try to understand. अब question को समझना है. Which of the following statements about the net electric flux through the two surfaces? एक तो जिसका radius 2r है उसका flux हो गया phi 2r, और एक का radius r है उसका हो गया phi r, is true. इन दोनों में कौन सा relation सही होगा? अब जरा ध्यान दीजिए. Answer कौन सा देना चाहोगे? B. बी सही होगा. ऐसा क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि ये ध्यान देना है कि जो बिगर सरफेस है उससे जो फील्ड लाइन निकल रहा है, इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइन कमिंग आउट ऑफ द बिगर स्फीयर एंड स्मॉलर स्फीयर. क्योंकि हम फ्लक्स कहते किसको है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को कहते हैं, यही ना. तो जितनी फील्ड लाइन इस स्मॉल स्फीयर से निकल रहा है, ऐसे ऐसे देखो काउंट कर लेते हैं. रियल लाइफ में तो काउंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पिक्चर है तो काउंट कर लेते हैं. कितना है फील्ड लाइंस? 3, 4, 5, 6, 7, 8 है. तो 8 फील्ड लाइंस स्मॉलर स्फीयर से भी निकल रहा है, 8 फील्ड लाइंस बिगर स्फीयर से भी निकल रहा है. इसलिए फ्लक्स थ्रू इच स्फीयर मस्ट बी सेम. Equal. अब ये ध्यान देना है कि अब इसमें ये आपका ये फ्लक्स इक्वल होगा. अब ये समझ में आ रही बात? Yes, sir. हाँ, क्योंकि आप कहोगे कैसे इक्वल होगा, यहाँ ध्यान देना है, क्वेश्चन में कर रहा हूँ. क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आई इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर. तो एरिया तो बिगर स्फीयर के केस में एरिया बढ़ गया ना, एरिया बढ़ गया तो फ्लक्स क्यों बराबर हुआ? आप जवाब दे सकते हो, फ्लक्स क्यों इक्वल हुआ जबकि एरिया बिगर स्फीयर का ज्यादा होगा ना? कितना ज्यादा होगा बिगर स्फीयर का एरिया? 4 times ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू स्मॉल स्फीयर. तो फ्लक्स भी 4 times होना चाहिए था. बात समझ में आई बात? Yes. लेकिन क्या कहां मिस कर रहे हो? आंसर सही है, आंसर आपका सही है. जवाब देने में जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, तो एरिया तो बिगर स्फीयर का बढ़ रहा है और स्मॉलर स्फीयर का एरिया कम है, तो इस हिसाब से इक्वल तो नहीं होना चाहिए. तो आप कैसे इसको सेटिस्फाई करेंगे कि इक्वल नहीं होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि नहीं इक्वल ही होगा. तो इसके सपोर्ट में आप अपना लॉजिक दीजिए. Uh,
ये देखो अभी जो मैंने कहा कि एरिया 4 times हो जाएगा, ये बात तो सही है, लेकिन जब बिगर स्फीयर के पास हम आएंगे, यहाँ यहाँ जब आएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो ये यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो 1/4 times घट जाएगा, तो एरिया 1/4 times बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 times घट गया, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर ही रह जाएगा। आप समझ पा गई बात? ठीक है, ये लॉजिक था। ठीक है, तो ये आंसर सही होगा, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिंग, ये तो डिस्कस किया जा चुका था ना। इमेजिंग अ क्यूब ऑफ साइड ए पोजिशन्ड इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, पिछला ही क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, उसी का एक्सप्लेनेशन है जो मैंने डिस्कस किया कि क्यों 0 है, ये सब तो एक्सप्लेन कर ही दिए थे और फिर ये भेज भी देंगे, तो अपना देख लेना है। ठीक है, ओके। अब आपका है इसका एक्सप्लेनेशन मिल गया है, एक्सप्लेनेशन मिल गया, इसका आंसर ये था सही, क्लियर। ओके, यस सर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उससे फ्लक्स निकालेंगे, अब गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो पहले ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब तक एक पॉइंट चार्ज को कोई सरफेस इनक्लोज कर रहा था, अब कंटिन्यूअस चार्ज को कोई सरफेस इनक्लोज करेगा, तो ये हमें समझना है। इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, देखो हम इस पॉइंट चार्ज को, ये लीनियर चार्ज को सिमेट्रिकली सरफेस से इनक्लोज करेंगे, तो लीनियर चार्ज को सिमेट्रिकली इनक्लोज करने वाला सरफेस का शेप साइज कैसा होना चाहिए, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर ही नहीं इसको इनक्लोज कर सकता है सिमेट्रिकली। तो अगर मान लेते हैं कि सिलेंडर की एक्सिस पर ये चार्ज है, तो फ्लक्स कितना होगा, ये फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो यही अप्लाई करेंगे, क्योंकि फील्ड लाइन ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये फील्ड लाइन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पर परपेंडिकुलर होगा, इसलिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर, और इसलिए फ्लक्स विल बी डिटरमाइंड यूजिंग दिस फॉर्मूला। हाउ टू थिंक अबाउट फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटरसेप्टिंग अ सरफेस perpendicular to the surface, ये flux का concept हुआ। अब next topic हमारा चलेगा, flux को तो हमें लगता है सब लोग समझ चुके हो कि flux एक scalar quantity है, flux का SI unit क्या होगा, क्योंकि flux का formula हमने बताया था electric field and area vector, तो electric field का unit है newton per coulomb और area का unit है meter square, तो हम ये कह सकते हैं कि electric flux का unit हो गया newton पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर पर कूलम पर कूलम, और वोल्ट के टर्म में अगर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वोल्ट के टर्म में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, आगे पोटेंशियल में हम डिस्कस करेंगे, हालांकि क्लास 10 में हम पढ़ाए थे थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, तो अगर वोल्ट पर मीटर वाला यूनिट यूज करते हैं तो वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, तो मीटर मीटर कट गया, क्या मिला वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अब हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे गॉस लॉ को, अब गॉस लॉ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब इसमें कोई हिंड्रेंसेस नहीं है गॉस लॉ को यूज करने में। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये आ रहा है, तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब आगे बढ़ते हैं, गॉस लॉ का यूज करते हैं। ये प्रॉब्लम जो पहले हमने डिस्कस किया था, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, याद करो फर्स्ट क्लास में जो दिए थे, फर्स्ट या सेकेंड क्लास का जो वीडियो हमने भेजा है उसमें ये प्रॉब्लम था ना, याद कीजिए, डिस्कस किए थे ना। उसी का ये डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये जरा ध्यान दीजिए, कूलम्स लॉ अप्लाई किए, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज डी क्यू निकाल लिए, डी क्यू निकाल के उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ये निकाल लिया गया, अब इसको डी क्यू को लेमडा इंटू डी एक्स के टर्म में निकाल लिया, और अब डी ई निकल गया,
डीई कैसे निकला, क्योंकि आर प्राइम तो हमने अपने मन से माना था, तो आर प्राइम को रिप्लेस कर देंगे या एलिमिनेट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड आर, तो एक्स एंड आर के टर्म में रिप्लेस कर दिया गया आर प्राइम को, तो हमें रिजल्ट आया ये, क्योंकि आर प्राइम इक्वल टू क्या होता है, चूंकि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर अपॉन आर प्राइम इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए आर प्राइम इक्वल टू आर बाय कॉस थीटा, आर बाय कॉस थीटा यहाँ प्लेस कर दिया गया, तो डीई का वैल्यू हमें आ गया, आया कितना यहाँ 1/4 pi epsilon naught into lambda cos square theta into dx by r square. अब देखिए यहाँ पर वेरी करने वाला जो क्वांटिटी होगा उसको समझना, ये r प्राइम का वैल्यू यहाँ निकल लिया गया है और यहाँ प्लेस कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टिल वी हैव x एंड थीटा टू वेरिएबल है, अभी भी हमें दो वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को और हटा देंगे, क्योंकि दो दो वेरिएबल लेकर के अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो टू डायमेंशनल इंटीग्रेशन होगा, जो कि अभी इस क्लास में नहीं पढ़ना है, तो हम एक वेरिएबल को और एलिमिनेट कर देते हैं जो एक्स है, एक्स को भी एलिमिनेट कर देंगे। तो अब इस ट्रायंगल में देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक्स है और ये आर है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इस एंगल के लिए, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर यानी x अपॉन r इक्वल टू tan थीटा, इसलिए x इक्वल टू r tan थीटा, इसलिए अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। अब हम dx के बदले में भी वैल्यू पुट कर दें, dx के बदले में क्या वैल्यू पुट करेंगे, पहले वाले में केस में यहां पर dx के जगह पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, r sec स्क्वायर थीटा, r sec स्क्वायर थीटा, याद रखिए कि यहाँ r sec स्क्वायर जब रखेंगे r sec स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा into sec स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, sec स्क्वायर थीटा into cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, r भी कट जाएगा और एक केवल d थीटा रह जाएगा, तो हमें मिल गया रिजल्ट de equal to 1/4 pi epsilon naught into lambda into d theta divided by r। ये समझ में आ गई बात, नहीं आर स्क्वायर तो कट गया ना, ये ऊपर जो आर आ रहा है, हाँ, तो हमें मिला 1/4 pi epsilon naught lambda d theta by r। तो आर कांस्टेंट ही है, लेमडा कांस्टेंट ही है, 4 pi epsilon naught कांस्टेंट है, वेरिएबल केवल थीटा ही नहीं। तो अब जरा इसको समझा जाए, यस, तो हमारा रिजल्ट यहाँ से आपको मिल जा रहा है, ये देखो, यही ना हम अभी बता रहे थे कि ये आया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आया डीई equal to 1/4 pi epsilon naught lambda d theta by r। okay, तो अब हमारा रिजल्ट देखो, जब हमें हमने बताया था कि इधर का कंपोनेंट एक ex कंपोनेंट इधर होगा, ey कंपोनेंट इधर की ओर होगा, तो देखो ex कंपोनेंट इस पोर्शन की वजह से इधर है, और इधर वाला जो पोर्शन होगा, इधर वाला पोर्शन, इसका ex कंपोनेंट इधर की ओर होगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ही होगा, डायरेक्शन अपोजिट होने से ये x कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल y कंपोनेंट रह जाएगा ey, इसलिए इसको हम जीरो कर देते हैं, ex कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इंटीग्रेट करोगे तब, और ey कंपोनेंट क्या हो गया, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये क्यों नेगेटिव है, ये समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, जबकि क्वाड्रेंट लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसमें x एक्सिस जो है नेगेटिव x एक्सिस इधर हो गया, इसलिए ये नेगेटिव है। अब आगे इंटीग्रेट करते हैं, x कंपोनेंट को इंटीग्रेट किए, कहां से कहां लिमिट लेंगे, लिमिट ले लिए -90 to +90, इसलिए अब इसको इंटीग्रेट किया, फिर y कंपोनेंट को भी इंटीग्रेट किए, और इंटीग्रेट करने के बाद अब ये समझ में आया कि ये 90 कैसे आया, ये बताने की जरूरत है, देखो ये 90 इसलिए है कि जब हम यहाँ से इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, ऐसे 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 इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, तो ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, तो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ये लाइन पैरेलल हो, हाँ पैरेलल हो जाएगा, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। अब समझ गए कि नहीं, yes. दूसरे केस yes. में दूसरे केस में ये नेगेटिव 90 हो जाएगा, अब समझ गए कि नहीं, क्योंकि yes. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इंटीग्रेट दोनों कंपोनेंट को कर लेंगे, और x कंपोनेंट हमें जीरो मिल जाएगा, जबकि y कंपोनेंट हमें मिलेगा क्या 1/2 pi epsilon ये हो गया
ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एक स्पेशल केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जबकि अब तक हम पढ़ रहे थे जनरल फॉर्मूला में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और जहां पर लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके ओके, अब ये समझ में आ गया। देखो यहाँ भी इंटीग्रेशन पढ़े हो तो ये जीरो कैसे हो गया, ये समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब तो ये कंप्लीट हो गया, इसको आज के लिए क्लास ओवर कर दें कि अब नेक्स्ट डे जो हम पढ़ाएंगे, नेक्स्ट डे जो हम पढ़ाएंगे वो अब गॉस लॉ पढ़ाना है, ठीक है। कि गॉस लॉ को अभी हम स्टार्ट कर दें क्या, देख लेते हैं। हाँ कल कर, हाँ जी ठीक है, कल मैं कर दूंगा। हालांकि इसलिए रिकॉर्ड में भेज देता हूँ ताकि बच्चे को समझ में आए, ठीक है, जो नहीं आ रहा है वो भी। ओके ओके ऑल राइट, अनुराग फिजिक्स बना रहा है नोट्स, भेजना ना। हाँ केमिस्ट्री बनाया।